नमस्ते पंडित जी। नमस्कार बहन जी, कृष्णा दिखाई नहीं देते है। अब का बताए पंडित जी, वो का हम समझा समझा के थक गए हैं, पर वो है कि हमरी कोनो बात मानता ही नहीं। जवान लड़का है, ना समझ है अभी। समय के साथ साथ हर कोई बदल जाता है। वैसे आपने उकाई तो बताए है ना कि पिताजी वसीयत में का लिखे हैं? ना बाबा, हम ना ही बताएंगे, स्वामी जी को ही बताने दीजिए। कृष्णा उनकी बात जरूर मानेगा, उन्होंने आज उका मठ में बुलाया है, उम्मीद है आ जाएगा। उका तो मठ, गुरु, देव, सेवा, पूजा पाठ, संस्कार, इस सब पे कोनो विश्वासी नहीं है। मंदिर का नाम लेते ही पटाखा जैसन फटने लगता है। नमस्ते। नमस्ते। आप जयराम जी के सुपुत्र हैं ना? हाँ सही कहा। हम आपके स्वागत के लिए ही खड़े हैं। हाँ? बजाओ। हाँ? आइए चलिए पधारिए। बाबूजी, आज सूरज पश्चिम से निकला है का? रोज गाली सुनने वाले की अचानक इतनी जी हुजूरी है? ईद होती का है? आराम से बेटा। अरे रे रे, गुदगुदी लग रही है, ये सब का है? पिताजी, आज तक जीवन में तो हम आपको कभी नहीं देख पाए, घर जाते ही आपकी शादी वाला कोट निकालेंगे, प्रेस करेंगे, सेंट लगाएंगे और आपके श्राद्ध का इंतजाम करेंगे। पधारिए जजमान। आए, ई यहाँ क्या कर रही है? अगर अम्मा यहाँ है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अम्मा, 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 अम्मा। स्वामी जी आ रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी के पैर छुओ। प्रणाम स्वामी जी। बैठ जाओ। बैठिए। हम? हाँ हाँ बैठो। अच्छा, आज हमारा प्रेम पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया है, शंकर नारायण जी ने हम दोनों को मिला दिया है। अब समझे, जरूर अम्मा ने महाराज को कोई पट्टी पढ़ाई है, तभी हमको यहाँ बुलाया गया है। कृष्णा, हम इस मठ के 28वें गुरु के रूप में आज तक सेवा करते आ रहे हैं, अब हमरे बाद तुम्हें इस पीठ की शोभा बढ़ानी है। का? हम मठ के स्वामी बने? तुम्हारे जीवन का यही उद्देश्य है कि तुम एक दिन गुरु बनोगे और गुरु बनकर दीन दुखियों की सेवा करोगे। अरे वाह, क्या बात है, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अरे वाह 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 वाह, अचानक सारी उंगली घी में और सर कढ़ाई में। क्या सोच रहा है कृष्णा? हाँ बोल दे। गुरु जी, आपने अच्छी तरह सोच लिया है ना? बहुत बढ़िया, हमको मंजूर है। नेकी और पूछ पूछ तो हम कैसे मना कर सकते हैं, बन जाएंगे। कौन है? हेलो हेलो, ब्रोकर झुन्नू बोल रहे हैं। हाँ दलाल, बोलना। बड़ी तमीज से बात कर रहे हो, कोनो गलती हो गई क्या हमसे? अरे बकवास मत कर, चिरकुट काम की बात कर। हाँ हाँ बताते हैं बताते हैं। एक मोटा मुर्गा हाथ लगा है, अपन बिटिया की शादी के लिए 25 ग्राम सोना, 1.5 किलो चांदी, 1.5 एकड़ जमीन और कन्या भी एकदम सुंदर, स्वस्थ और टिकाऊ। जवानी अठन्नी का जमाना गया समझा? अब जीरा की नहीं हीरा की बात कर, हमारी किस्मत का बंद दरवाजा खुला है, पनौती मत लगा, फोन रख। क्षमा गुरु जी, वो कल्लू हलवाई था, अपन उधारी मांग रहा था। वैसे गुरु जी, हमारे मन में एक सवाल है, हमरी शादी हम खुद करेंगे या वो भी आप करवा देंगे? पीठ पर आसीन होए वालों को
संपत्ति और संबंध का मोह त्यागना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का दमन कर मन की इच्छाओं को वश में करना पड़ता है। का? स्वामी जी, अभी तक तो हमने ये रंगीन दुनिया ठीक से देखी भी नहीं है, और आप हैं कि हमारी जिंदगी का पिक्चर जो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ उसका दी एंड करना चाहते हैं। ना बाबा, ये हमसे ना हो पाएगा। हम चलते हैं जयराम जी की। बैठ जाओ कृष्णा, बैठ जाओ। ठीक है। कदाचित तुम अपने व्यक्तित्व के बारे में नहीं जानते। तुम अपनी बाल्यावस्था में निर्वस्त्र बच्चों को अपने वस्त्र बांटा करते थे, भूखे मनुष्यों को भोजन परोसते थे। सेवा और करुणा तुम्हारे जन्मजात गुण हैं। बचपन में किसी दुखियारे को निवाला खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं वो जरूरी है। इस समय तुम क्या कर रहे हो कृष्णा? अभी हम चिट फंड फाइनेंस कंपनी खोले हैं और जरूरत के हिसाब से सबको पैसे देते हैं। जैसा आदमी है वैसा ब्याज, चका चक काम काज। तुमसे ऋण लेकर जाने वालों ने तुम्हें वापस किया? भैया, नोट चूहा कुतर गया ई खातिर। जरूर बीमार थी भाई। सास कोमा में चली गई है, होश में आते ही पैसे लौटा देंगे भाई। तुम अपने आप को पहचाने बिना ही अनावश्यक रूप से लोगों की सहायता कर रहे हो। कृष्णा, इस मठ में तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे जन्म से पहले बहुत प्रार्थनाएं की हैं। तब तुम्हारा जन्म हुआ, उन्होंने वचन दिया था कि यदि उन्हें पुत्र हुआ तो वो इस मठ की सेवा करेगा। यहां ऐसा वचन पत्र है। प्रिय वत्स, अब वो समय आ गया है। आप समझ नहीं रहे हैं स्वामी जी, आप गलत जगह दरवाजा खटखटा रहे हैं। तुम बस एक बार हाँ कर दो, बाकी सब हम पे छोड़ दो बेटा। कोहे हाथ धोकर पीछे पड़े हैं, हमरा पीछा छोड़िए और कोनो भी काम हो तो बताइए, शौक से करेंगे। आने वाली दूसरी पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा से पहले इस मठ के 29वें गुरु बनकर पीठ की शोभा बढ़ाने हेतु तुम्हें आना पड़ेगा। हमारे संप्रदाय के नियमानुसार जो दीक्षा लेता है वही शंकर नारायण जी का उत्सव करता है। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो अपने प्रायश्चित के रूप में तुम्हें एक गज भेंट देना होगा। तुम्हारे गज भेंट देने पर ही वो उत्सव संपन्न होगा। अपने बाबा के वचन का पालन नहीं करेगा, उनका मान नहीं रखेगा, स्वामी जी की बात मान जा। कह दिया ना, नहीं बनेंगे। हाथी दे देंगे। केवल हाथी देना नहीं है, उस पर सवार होके भी आना है। अरे सवार होकर काहे लेट कर भी आएंगे? का तुमका ही सरल काम लग रहा है? बड़े बड़े महारथी भी काम को ना ही कर पाए हैं। कोशिश बहुत लोगों ने की पर कौनो सफल ना ही हुए। शिव, 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 शिव। देखो कृष्णा, इस मठ में वर मांगने वाले कितने ही घरों में संतान उत्पन्न हुई है, उन्हीं बच्चों में से कितने ही बच्चे इस मठ में वेद शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, परंतु उनमें से कोई भी इस पीठ के योग्य नहीं। संभवतः यह ईश्वर की ही इच्छा है जो तुम्हारे माता पिता ने ऐसा वचन पत्र हमें दिया। पुत्र, तुम गज केसरी योग में जन्मे हो और इसीलिए तुम ही मठाधीश के योग्य हो। फिर भी स्वामी बनना हमसे नहीं हो पाएगा। अब आप देखते रहिए, एक महीने के अंदर हाथी आपके सामने होगा। कल्याण। बुद्धि भ्रष्ट हो गई इस लड़के की, कहां से लाएगा हाथी? भेड़ बकरी नहीं है वो, हाथी है हाथी। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। कहा जाता स्वामी जी की बात मान जाता तो? का माँ, आप भी पड़ोस की भौजी कब से कह रही है कि इका ब्याह करा दो, हमको सहेली दिला दो, लेकिन आप है कि हमको मठ का स्वामी बनाने के पीछे पड़ी। अरे माई है कि दुश्मन? बड़ा आया, रोजाना न जाने कितने डॉक्टर इंजीनियर डिग्री लेकर बेरोजगार घूमते रहते हैं, कोनो स्वामी बनता है का? उन्होंने हमारे बेटे को चुना, अरे किस्मत वाला है तू। कहे बाकी के लोग हड़ताल पर गए हैं, लेना न देना फुकट का झुंझुना, कितना भी कुछ कर ले हम नहीं बनेंगे, देख लेना। ये तोहरे बाबा का फैसला है, वही चाहते थे तू मठ का स्वामी बने। का तू अपने बाबा के दिए वचन का पालन भी नहीं कर सकता? बाबूजी के वचन की बात थी इसीलिए मान गए, वरना हाथी नहीं ठेंगा देते। ओहो, अब हमरे दिमाग की बत्ती जली।
तुम हमको मठ का स्वामी इसलिए बनाना चाहती हो ताकि तुमको कपड़ा नहीं धोना पड़े, खाना नहीं बनाना पड़े और तुम बिमला काकी के साथ बैठ के लूडो खेलो। मदर इंडिया, अगर तुम हमारी अम्मा हो ना तो हम भी तुम्हारे ही बेटे हैं, भूलना मत। अरे सुनामी आ जाए या ज्वालामुखी फट जाए, लेकिन जीते जी हम तुम्हारा आंचल नहीं छोड़ेंगे। फिर भी तू नहीं मानी तो वो मठ का ई घर से ही भाग जाएंगे, फिर हमको ढूंढते रहना। अरे जा जा, हमका मत सिखा, हम तोरी अम्मा है। वैसे भी तू सबसे छुप कर भाग सकता है, भगवान से नहीं, समझा? कौन सा भगवान और कहाँ रहता है वो? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाकर सब उका ढूंढते हैं, पर कभी किसी को नहीं दिखता। पहले तुम उका ढूंढ लो, उका बाद हमका ढूंढना। तब तक हम शादी करके एक क्रिकेट टीम बना लेंगे। हे भगवान, इका कैसे समझाए? अब तू ही मदद कर, हमारी बात नहीं सुनता, जिद पे अड़ा है। ईश्वर की सेवा करने का मौका हाथ लगाए उसे भी ठुकरा के जा रहा है। भोलेनाथ मदद करो। अपन काम बनता भाड़ में जाए जनता, किसी ने सही कहा है, ऊपर वाला जब भी देते छप्पड़ फाड़ के। ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान, जैसे ही तू स्वामी बनेगा वैसे ही हमारी जिंदगी रॉकेट बनेगी। तेल पेट्रोल के कुएं होंगे, हीरे की खदाने होंगी, फिर मठ के पैसों से आधा दुनिया खरीद लेंगे। यार हमारा तो पूरा जन्म सफल हो जाएगा। अरे झंडुओं, हम यहाँ अपनी डूबती नैया को किनारे लगाने आए हैं और तुम सब उस नैया में छेद करके हमारी ही लुटिया डुबा रहे हो। अबे हाथी देना पड़ेगा, इस सोच सोच के हमारा माथा घूम रहा है। अरे दोस्त, तुम जैसन हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है, थू है तुम पर। अरे तो ये मत टेंशन का है, हाथी मांग रहा है हाथी दे दे। हम तो हाथी ला देंगे, पर उका पैसा का तुम्हारे अब्बा देंगे। अरे तो खरीदना किसको है, भाड़े पे ले लो। ए झंडू, हमका पालतू हाथी नहीं देना है। बड़ा आया आइडिया देने वाला। वो हाथी पर थोड़ी ना लिखा है कि वो जंगली है पालतू, हमारी बात मान लो भैया, हमेशा फायदे में रहोगे। पता नहीं सारे नल्ले हमरे ही पल्ले काहे पड़े हैं। भाई हमारे पास ही झमेले का एक तगड़ा वाला सलूशन है, अगर तुम्हारा नाम कीचड़ में डुबो दे तो देखते ही तुम दबा के भागेंगे। वो कैसे में? जेका बदनाम बिजली बुलाती है उका कोई नहीं बुलाता। वो चिकनी है, चमेली है, घर पे अकेली है, और तू छोरा तुम्हारे नाम का होगा ढिंढोरा। फेसबुक पे अकाउंट है का? नहीं, पीने के लिए पानी मिलेगा? पानी नहीं है, विस्की से काम चलाओ ना। नहीं वो हम सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही पीते हैं। अच्छा, दूर काहे जा रहे हो? वो कहा है कि तुम्हारा नाम बिजली है ना, और बिजली से हमका अगर करंट वारंट लग गया तो। कौनो बात नहीं, अब सारी कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे राजा। वैसे तुम्हारी कोनो गर्लफ्रेंड है का? स्कूल में थी। तो उकरे साथ ब्रेकअप हो गया का? नहीं, पैचअप हो गया। का चाहिए सर? इंस्पेक्टर गजेंद्र को चूना लगा रहे हो? घर की टीवी का सिग्नल ब्रेक हो गया है क्या? नहीं सर, हमारी टीवी को सिग्नल कहाँ से मिलेगा? एंटीना पर कौवा चटनी डालकर फुर्र हो गया। अरे आराम का खाएगा तो और क्या होगा। वैसे तुम लोग रहते कहाँ हो? बस यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर, ऑटो से 3 घंटा और पैदल 15 मिनट लगता है। खुद के पैरों से नाप लीजिए। अच्छा बच्चू, तुम करोगे टीवी की जम के दिखाई और हम जाके करें ना पाई। हमारी खाल में अगर भूसा ना भर दिया तो हम बंटी बबली के भाऊ गजेंद्र नहीं। सुनो राजेश। हाँ सर। मटके होने वाले स्वामी साक्षात दर्शन देने आए हैं। नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्ते नमस्ते। सर आप यहाँ पहले काहे नहीं पधारे स्वामी? रेट डालकर चप्पल घिस गई थी, आपके आते ही बकरे जाल में फंस गए, आमदनी बढ़ गई हमारी। महान हो स्वामी जी। क्या इनका बता दो, हम दोनों तुम्हारे मित्र हैं। सर ये लोग एक नंबर के हलकट हैं, पुलिस वालों के हाथे चढ़ते ही मिनिस्टर हो या स्वामी लपक के लंगोटी पकड़ लेते हैं। बहुत टीवी देख लिए, चलो खाने सिनेमा दिखाते हैं। नहीं नहीं सर, ये लोगों। अरे स्वामी जी आप टेंशन मत लीजिए, आज हम इनकी खटिया खड़ी कर देंगे, वरना हम भी बंटी बबली के पप्पा गजेंद्र नहीं। किशन कन्हैया कहाँ है बे? अब कौन सी मटकी फोड़नी है? जब तक यहाँ रहेंगे झमेला खत्म नहीं होगा। पर लेकर जा रहा है। अरे इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं रहने के लिए कोई कमी है का? हमका चोट नहीं लगी, ये कैसे चमत्कार है।
कर्म निभाना है, मौत गले लगाना है। गजराज? तो हमरा नाम गजेंद्र नहीं। हम इस मठ के 28वें गुरु के रूप में आज तक सेवा करते आ रहे हैं। अब हमरे बाद तुम्हें इस पीठ की शोभा बढ़ानी है। दयाल, तुम्हारे मामा फॉरेस्ट ऑफिसर है ना? कहाँ पोस्टिंग हुआ है उनका? पहले झुमरी तलैया में थे, अब कौन से जंगल में का तल रहे हैं का पता। एक बात बताएं, उनसे मिलना मतलब अपन जिंदगी झंड कर देना। जब 100 पापी बुड़बक मरे होंगे ना, तब जाकर वो पैदा हुआ था। यहाँ हमारी जिंदगी दाव पर लगी है और तू ससुरा अपन उल्लू सीधा कर रहा। शांत गदाधारी भीम, तुम उनसे मिलना चाहते हो ना, हम मिलवा देंगे। हाँ तो फिर कल ही चलते। का बात है, शहर से जंगल में आए हो? जंगल में मंगल मनाना है क्या? वो कहा है कि हमको वाइल्ड लाइफ हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, उसी के लिए थोड़ी जानकारी लेने के लिए आए। अरे इंसान भी तो एक जानवर ही है। लेटर में आपका दस्तखत हो जाएगा तो परमिशन मिल जाएगा। ओ, तो का परमिशन चाहिए? नमक हराम। साइन के पहले ई बताओ कि जंगल में चड्डी पहन के फूल क्यों खिलता है, लंगोटी पहन के क्यों नहीं? बुढ़ाऊ तो केडीसी का गेम चालू कर दिया। ई बुढ़ाऊ का साइन चलेगा ना? आपका साइन चलेगा ना? हमार क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। बंटी के दो आगे बंटी, बंटी के दो पीछे बंटी, बोलो कितने बबली बंटी? अरे जब आगे दो बंटी हैं, पीछे दो बंटी हैं, तो ये बबली कहाँ से लैंड कर गई? दांत टूट गया। जमलाल। अब बताओ कौन से जानवर पर रिसर्च करने आए हो? अरे हम जानवर के बारे में रिसर्च करें या फिर एलियन के बारे में, इससे तुमको का लेना देना बुढ़ाऊ? बुढ़ाऊ सटिया गया। अब तक हम तुमको इसलिए झेल रहे थे काहे कि हमको तुम्हारा साइन चाहिए था। अब अगर जबान चलाई ना तो 100 जूता मारेंगे और गिनेंगे 20, समझे? चल रहे, चल। जो हाथी मंदिर को भेंट करोगे वो पालतू ना ही होना चाहिए, तुम ही उका यहाँ लेकर आओगे और वो पूरी तरह तुम्हारे वश में होना चाहिए। याद रहे, तुमका वो हाथी के ऊपर बैठ कर आना है, यही इस मठ का नियम है। आने वाली गुरु पूर्णिमा से पहले अगर तुम वो हाथी पर बैठ कर ना ही आए तो तुमका बना दिया जाएगा इस मठ का मठाधीश। मठाधीश, मठाधीश। अरे काऊ, अरे अरे, टिकट टिकट टिकट, कोई बाकी है का? बाद में नहीं पूछेंगे, उठा के बाहर फेंक देंगे। ए झंडू, टिकट लिया का? चलो चलो, जाने दो, बढ़ाओ बढ़ाओ। लागत है हम जंगल पहुंच गए। हे गणपति बप्पा, बस एक हाथी दिला दो। यहाँ तो एक चीटी भी नहीं दिख रही है, तो हाथी कहाँ से मिलेगा? क्या करें, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। सर एक मिनट रुकिए। बस में बहुत देर से रोके थे, अब जाके सुकून मिला है। वैसे हमारा नाम कृष्णा है, हम यहाँ हाथी लेने आए हैं। सर ये वन अधिकारी कहाँ मिलेंगे? आ आ आ, इसे मुंह खुला ना ही छोड़ दे, मुंह में मक्खी चली जाती है। अच्छा मजाक छोड़िए सर, यहाँ हाथी कहाँ मिलेगा? आसपास ही रहते हो ना, जंगल में हाथियों का झुंड कभी देखे हो? देखे होगे, याद कीजिए। लागत है कानपुर में हड़ताल है, जोर से चिल्लाना होगा। सर हाथी! अजीब इंसान था, हमका ऐसे देख रहा था जैसे हम कोई सर्कस के जोकर हैं। ससुरा खुद उदबिलाव जैसा दिख रहा था। हाथी के चक्कर में पापड़ बेलना पड़ रहा है। भैया जी जा। मठ में भी ऐसे ही ढोल बजाए थे तो जंगल में आना पड़ा, अब यहाँ भी ढोल बजाने पता नहीं कौन सी पनौती आएगी। आइए प्रवेश कर लीजिए। सर सर वहाँ बैठिए। यहाँ? हाँ।
अच्छा सर। हाँ? आदेश कीजिए सर, का लेंगे, ठंडा गरम का पेश करें। हवलदार जी, हमका एक हाँ? बड़ा वाला कंफ्यूजन होता है, हमका ऐसे खिला पिला के हमको हलाल करने का हाँ? इरादा तो नहीं? यस सर। तब ठीक है। चंपकलाल, रिश्वत मिलेगी तो कुर्सी भी बेच दोगे? सर, डीएफओ साहब हैं, नहीं भरती। वो सर जी तो कल आने वाले हैं, लेकिन ये कौन है? तू बोल, टेररिस्ट है, नक्सलाइट है, अंडरवर्ल्ड है, अलकायदा है? जल्दी बता, तुम्हारे यहाँ आने का क्या फायदा है? क्या इसमें हमारा फायदा है या किसी और का फायदा है? बता। हम पहली बार जंगल में आए हैं, वो आपके पापा जी है ना, उन्होंने ही हमका भेजा है। का पापा? लेकिन हमारे पापा तो बहुत साल पहले गुजर गए थे। तो दूसरे पापा होंगे? हमारी मम्मी। हाथी? सर, सिर्फ एक ही हाथी चाहिए सर, पैसे की चिंता मत कीजिए, टेबल के नीचे से पकड़ा देंगे। आओ, कैसे दोगे रिश्वत? हमारा ईमान खरीदोगे तुम? जो भी कोई हमको खरीदने आता है वो यहाँ से सही सलामत नहीं जाता है। हम कोई टिंडा नहीं है जो खरीद लोगे। कहाँ है हमारा टिंडा, मतलब टिंडा? हमको खरीदने चला था कि घोचू कहाँ रे? ऑफिसर के दहेज में आए थे का? सब चिड़िया घर से भाग के इसी जंगल में आए हैं, बाप बेटा दोनों झंडू। जाओ, हमको रिश्वत देने वाला कहाँ भाग रहा है? अरे बाप रे, भाग ले कृष्णा। अरे इस ससुरे भूत की लंगोटी की तरफ पीछे पड़ गए। साहब, ये तो खुद ही कर गया। वाले ने कितनी खूबसूरती से बनाया है, एकदम चल परी लागत है। इका संग मरमर जैसन तराशा बदन, एकदम कहर बरपा रहा है। ओए, किसी लड़की को नहीं देखे हो का? शर्म लिहाज है कि नहीं? ए जल परी, शर्म लिहाज का क्या अचार डालेंगे? अब यहाँ खड़े खड़े का देख रहे हो, जा दफा हो जा। एक बार देखे हैं, फिर से देखने की तमन्ना है। ये फिल्म का टेलीकास्ट दोबारा कब होगा? फिल्म देखने का इतना ही शौक है तो थिएटर में जाओ ना। अरे फिल्म देखने चले जाएंगे, पर अकेले देखने का क्या मजा है जब। अगर नेक्स्ट टाइम हमका दिखाई दिए ना तो डायरेक्ट ऊपर की टिकट काट देंगे, समझे? एकदम कोल्हापुर की तीखी मिर्ची जैसी है। चलो, जंगल में वक्त गुजारने का एक बहाना तो मिला, अब आएगा मजा। भी बता दो। अरे चुप रे। औकात में सर। सर गलती हो गई सर, हमका नहीं पता था कि आप एक ईमानदार ऑफिसर हैं, हमसे भूल हो गई। ई भूल नहीं है, हम रिश्वत लेता हूँ लेकिन पुलिस स्टेशन में बिल्कुल नहीं लेता। सबेरे से बोहनी नहीं हुई, टाइम खोटी नहीं। सर आज हाथी दिलवा दीजिए, कल पेमेंट कर देंगे। हमरे दद्दू कहे थे आज नकद कल उधार, कैश किधर है यार? बदन पे इतना सोना, ये हमको दे दे मुन्ना। सर 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 सर, हमारी मरी हुई दादी ने ये हमको गिफ्ट में दिया था, हमका लौटा दीजिए। जिंदगी में फ्री का गिफ्ट और फ्री में लिफ्ट दोनों ले लो, बीवी खुश हो जाएगी। ऐसा जुलुम मत कीजिए सर। हाथी हाथी दिखाते हैं, गाड़ी में बैठो। अब ध्यान से सुनो, हम जिस जगह जा रहे हैं वो हाथियों का गढ़ है, इसीलिए इस जगह को कहते हैं हाथी घाट। और ध्यान रहे, यहाँ बहुत सारे आदिवासी रहते हैं, अगर तुम उन लोगों को पसंद नहीं आए तो यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। यहाँ के आदिवासी हाथियों की पूजा करते हैं और इनका रिश्ता सदियों सदियों का है।
माना जाता है कि इंसान की दोस्ती सबसे पहले हाथी से हुई। बस तुम एक बार आदिवासियों का दिल जीत लो तो समझो तुम्हारा काम हो गया। इन आदिवासियों के अपने रीति रिवाज हैं, अपना रहन सहन है, सब मिलजुल के रहते हैं। ये गांव तो समझो बस एक अजूबा ही है। तैयार हो जाओ, हम लोग बस वहां पहुंचने ही वाले हैं। ध्यान रहे, कोनो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, फोटो फ्रेम में चढ़ जाओगे। अब चलो। आप कौनो जरूरी बात करने आए हैं? अरे का जस्सी काका, मिलने भी ना आए? हम भी आपके परिवार का हिस्सा है। बात ये तो लोमड़ी से भी ज्यादा मक्कार है। तुम हमसे कुछ कहे ना ही तो सर। खैर छोड़ो। जस्सी काका, बात यह है कि ये जो लड़का है शहर से आया है, कुछ दिनों के लिए आपके साथ रहेगा, ठीक है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता सरकार। ये जंगल में नए आदमी का आना वर्जित है और सरदार भी खातिर मंजूरी नहीं देंगे। ये जंगल का नियम है। ये नया थोड़ी है, पुराना है। हम इसको बचपन से जानते हैं और आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है, हाँ? अरे हम तो बताना भूल ही गए, ये कलिंगा को पकड़ने आया है, समझे? कलिंगा को? और नहीं तो का बात करते हैं। सर, ये कलिंगा कौन है? अरे यहाँ का छोटा मोटा गुंडा है, तुम उसे आसानी से दबोच लोगे। छोटा मोटा गुंडा? हम छोटे गुंडों के मुंह नहीं लगते सर, हम तो डायरेक्ट बड़े शिकार को दबोचते हैं। देख, इनसे कह दे कि तू कलिंगा को पकड़ने आया है, यहाँ तुम्हारा फ्री में एंट्री हो जाएगा। सच में? रिश्वत की कसम। हाँ, मान ले। तो कबीले के सारे भाइयों और उनकी बहनों, हम यहाँ आए हैं कलिंगा को पकड़ने। कलिंगा को यहाँ से घसीटते हुए ले जाएंगे। कलिंगा को पकड़ने? का? सरदार कह रहे हैं इस जंगल में ठहर सकता है। बात। हमारे साथ आइए। ए खिलावन। फोटो वाली बात याद है ना? कोई बेवकूफी मत करना। सर, आप बस देखते जाइए कि कैसे हमारे मोहब्बत का जादू इनके सिर चढ़कर बोलता है। थैंक यू सर। ए, सिर्फ थैंक यू, बाकी पैसा निकाल। चल सर। रिश्वत लेकर जो अपन इज्जत की बैंड बजा दे, उका हम थैंक्स कभी नहीं कहते। चलते हैं। सही कहा है। चल गाड़ी निकाल। तुम कलिंगा को घसीटते हुए ले जाओगे? हाँ। ये बच्चों का खेल नहीं है। काहे? कलिंगा को सिर्फ वह पकड़ सकता है जो बहादुर, जाबाज और निडर हो, बिल्कुल हमारे सरकार जैसा। सरकार? आंधी तूफान ज्वालामुखी को अपनी आंखों से देखे हो? हाँ देखे। उत्तरी, इसने तो देखा है। तीनों को एक साथ देखे हो? एक साथ? नहीं, नहीं। हमारे सरकार जब चलते हैं तो तूफान आता है, जब घूर घूर कर देखते हैं तो ज्वालामुखी फट जाता है, उनके आने से प्रलय आता है। सरकार। है हम लोगन के सरकार। डेर पुटिया, मतलब नमस्ते। ये आपका बहुत गुणगान कर रहे थे। हम चीज ही ऐसी हैं। तो सर, हमारा नाम कृष्णा है और हम क्या करें, हम तोरे खातिर हम बीन बजाए का।
बबुआ करंट मारत है हम? हमका एक हाथी चाहिए। हाथी कोनो खिलौना नहीं बता रहे। हमरे सरकार बहुत बड़े शिकारी हैं। पैदा होने के दूसरे दिन इन्होंने बंदूक पकड़ ली थी। अच्छा। एक साल के होते ही शेर के दांत गिनना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि इन्होंने मगरमच्छ के साथ कबड्डी भी खेली है। सरदार जी, ये सब चमत्कार का राज का है। हमका जब प्यास लगती है तब हम शेरनी का दूध पीते हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तोरे खातिर गीदर का दूध लेकर आवत है। ठीक है। ए घुंगरू, यहाँ आओ। हाँ सरकार। आज फेगम फाग करके हमका खुश कर दिए, तुम्हारी बख्शीश 10 रुपया। ठीक है सरकार। जाओ। आज हमारे हाथ बड़ा मुर्गा लगा है। पक पक पकाओ। बेशरम कहीं का? Oh God! ची! जलपरी तू यहाँ? ची! शर्म नहीं आती तो का? एमा, शर्म की क्या बात है? हम बोले थे अंदर आने के लिए। मान न मान, हम तोरे मेहमान, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी भी। किस्मत अच्छी थी जो बच गए। हमरी झोपड़ी में तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारी झोपड़ी? ये हमार झोपड़ी है। ये हमरा है। अरे हमार झोपड़ी है। देखा, यहाँ एक ही झोपड़ा है। यहाँ रहना है तो एक दूसरे को पति पत्नी समझ कर रहो। ये हमारे पति नहीं, जो हम एक के साथ रहे। कहो तो बना दे। हम रेडी हैं। है भौजी, आप रेडी हैं? हमारा मतलब ये था कि अगर पति पत्नी बन के नहीं रह सकते तो दोस्त बन के रहो। हम चलते हैं। अरे ए बुढ़ाऊ, लकड़ी छोड़। अरे क्या कर रहा है? क्या बात है, तीखी तो थी ही, ऊपर से तेज भी है। अरे वाह 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 वाह, लॉटरी लग गई। तू उहा हम इहा, ई अंधेरे का समा। हमने बचपन में एक सपना देखा था, एक बड़ा जंगल, छोटा झोपड़ा, उसमें लड़का और लड़की साथ में। हेलो, हम सपने की बात बता रहे थे, तुम्हारी स्टोरी नहीं बता रहे थे। पता नहीं ये लड़की है या जंगली बिल्ली। दीदी, ये आपके लिए कंबल। योका दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है बेटा? शिल्पी। और दीदी का? मीरा। ओके 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 ओके, अब तुम जाओ जाओ जाओ, सो जाओ। हाँ, शुभ रात्रि दीदी। हाँ ठीक है। शुभ रात्रि भैया। ए भैया नहीं, जीजू कहो। शुभ रात्रि जीजू। शुभ रात्रि शिल्पी। कितनी प्यारी लागत है जब जीजू कहती है ना। ए गर्मी लग रही है। मुंह बंद कर। हम तो बस पंखा करने के लिए कह रहे थे। हमने तो के पहले भी चेतावनी दी थी कि हमरे कबीले में पैर मत रखना। तूने यहाँ के बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती हमने की या तुमने, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमरा दूसरा नाम छोटा टार्जन है, और हमसे पंगा लेना तो के बहुत भारी पड़ेगा। ए कान खोल के सुन ले, हम तो का मिट्टी में मिला देंगे। ए कौवा बाबू, उन लोगों को देख रहे हो? एक दूसरे के जानी दुश्मन है। हुआ गलती से भी मत जाइए, हम तो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। आप भी निकल लो। हे सुन तो, ये घुंघरू भी ना। सरदार आइए ना। सर तो चले? हाँ ठीक है सर, इस बार ई भी हमारे साथ चलेंगे, हमारी सेफ्टी खातिर। छोटा टार्जन। ये छोटा टार्जन नहीं, जंगली लंगूर है। टार्जन जी बोला, आपको हाथी से डर नहीं लगता का? हाथी से डर? अरे हाथी तो हमारा साथी है। बचपन में हम दोनों एक ही लंगोट पहन के फुटबॉल खेलत रहे, साथ ही क्रिकेट खेलत रहे। ये सारा जंगल हमारे खेले का मैदान था। है, जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे हाथी, इनमें से एक हाथी चुन लो। हमने जंगल में एक साथ पहली बार इन तीनों को देखा है। वो जो बड़ा वाला हाथी है हमका बहुत पसंद है। लेकिन एक बात है, ये दोनों कहाँ गायब हो गए? अरे कालिंगा आ गया, बचाओ बचाओ भागो। कालिंगा? तो वो 2% का गुंडा, अभी बताते हैं। ए, 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 ए,
कृष्णा एक मिनट, खबरदार जो हमको रोकने की कोशिश की तो बात तो सुनो। भरी जवानी में मर जाता ना मैं। कहा बोले थे कालिंगा एक गुंडा है। अगर हम बता देते कि कालिंगा एक खतरनाक हाथी है तो का तुम यहाँ रुकते? और तुम भूल गए तुम्हें यहाँ से हाथी भी। देखिए इन्होंने हमारे हिसाब से सही कहा। हाँ तो छोटा टार्जन, क्या कह रहे थे तुम? हाथी तुम्हारा साथी है। और दोनों एक ही लंगोट पहनकर साथ में फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, तुम बताओ क्या खेलते थे? अगली बार झूठ के तो चप्पल निकाल के मारेंगे तुम। हम मंगल के मंगल छोड़ के झूठ बोलते हैं, अगर आप फंस गए तो आप लल्लू हैं। गैरी बाबू जानत हो अकेले कालिंगा में 100 हाथियों जितनी ताकत है, वो साक्षात मौत का दूसरा रूप है। अरे खुद तो भीगी बिल्ली हो, हमका सुपरमैन बना रहे हो। अरे अच्छा होता हम स्वामी ही बन जाते। कहाँ जाते हो, रुक जाओ। एक बार फिर से सोच लो, कालिंगा से मुलाकात तो हो ही गई है, अब बस उसका बहला फुसला के साथ ले जाना है, फिर पूजा करके वचन से मुक्त हो जाना हा? और फिर शादी भी कर लेना। हाथ सीधा करके मुस्कुराओ। मान जा कृष्णा, मान जा। जरा सोचो ऐसी सुशील लड़की कहाँ मिलेगी? आज भले ही तुमसे नाराज है, फिर कभी ना कभी तो दोस्ती होगी। फिर जैसे ही दोस्ती हो गई, शादी करके अपन घर बसा लेना। मान भी जाओ। अरे टार्जन जी, अब काम पूरा करके ही जाएंगे। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, इतना बयाबान जंगल मैं अकेला। पिछले 5 घंटे से जहाँ से चले थे फिर वहीं लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन एक हाथी नहीं दिखा। जंगली कहीं के? हमका मालूम है कि हम डरपोक हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं। हम कोनो जंगली संगली नहीं हैं। बचपन से हमका पुलिस वाला बनने का शौक था, शहर में नहीं बन सकते थे इसलिए जंगल में आके बन गए। हम नहीं मानते। क्या मानना पड़ेगा? ये बात साबित करने के लिए तुमको हमारी दुख भरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। ये बात कोरोना काल के पहले की है, 23 मार्च से पहले। हमारे बाबूजी कहते थे कि एक बड़ा आदमी बन टार्जन, लेकिन हम बड़ा आदमी नहीं बनना चाहते थे, एक बड़ा कांड करना चाहते थे ताकि नाम हो जाए। नाम बनाने खातिर हमने उसका दाम दिया पुलिस में भर्ती हुए, लेकिन पुलिस वालों ने कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे फेफड़े छोटे हैं, इसलिए हम गुस्से में वहां से निकल पड़े। फिर हमका पता चला कि गलती हुई है, उनको हमारे फेफड़े का माप गलत मिला इसलिए हम रिजेक्ट हो गए। फिर क्या हुआ? ये बहुत दुख भरी कहानी है बांगड़ू। आखिरकार हमने फैसला किया कि हम शहर के नाल से ही जंगल के पुलिस ऑफिसर बनेंगे। जैसे ही मैं जंगल में पहुंचा, मेरे स्वागत के लिए कई कबीले वाले खड़े थे। उन्होंने हमारी कमसिन काया की वजह से अपने कबीले में जगह दी और अपना लिया। तो का उठा के काहे ले गए? इसी का तो पछतावा है। गलत फहमी में आकर उन लोगों ने भी मेरे साथ बहुत बुरा किया। एक कबीले वाले चोर से मेरी शक्ल मिलती थी,
जिस तरह फिल्मों में डबल रोल का कंफ्यूजन होता है उसी तरह इनको भी कंफ्यूजन हो गया। तब से हम इस विला जंगल में गए थे। हमने लाख समझाया, हमारा आधार कार्ड देख लो, लेकिन ये कौन सी मुर्गी का अंडा है? ऐसा जवाब मिला हमें, बताया। हजारों दिन बीत गए, कई मौसम बदल गए, सब कुछ बदलने के बाद भी जो नहीं बदला वो थे हम। इसी का तो है गम। बाबूजी को अपनी बेकसूरी बतानी थी, लेकिन वो ऊपर चले गए, ऊपर। छोटा टार्जन, तुम्हारी कहानी सुनकर कोई भी तुम्हें अपने दिल में बसाए बिना नहीं रह पाएगा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं क्या करूँ क्या करूँ? कोई रास्ता है तो बताओ, नहीं तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी और ना ही हमारे बच्चे हो पाएंगे। हमारा नाम गुमनाम हो जाएगा। टार्जनों के टार्जन, छोटा टार्जन, 1.5 फुट का साइज और 260 किलो का वजन, माँ बाप का दुलारा अपनी किस्मत से हारा। भले है दिल का बेचारा, लेकिन एक दिन चमकेगा इसका सितारा। सोने की अंगूठी, अंगूठी में हीरा, अपना छोटा टार्जन ऊंट के मुँह में जीरा। एक दिन दुनिया डोलेगी, मुँह खोल के बोलेगी, टार्जन भैया की जय। आ गया, आप आइए, दाएं हाथ आगे करो, अंगूठा लगाओ। देखिए, यहाँ अंगूठा लगा। हाँ, तुम आओ। हाँ बा, अंगूठा लगाओ, आ जाओ। हाँ, अंगूठा लगाओ। आप तुम सब लोग, वीरा, ये लोग कौन है और सब लोग हमसे अंगूठा काहे लगवा रहे हैं? सरकारी बाबू है, कौनो पहचान पत्र देने आए हैं। ओ अच्छा, तुम भी आओ। एक्सक्यूज मी सर, जी बोलिए। आप लोग हमें बताएंगे कि आप लोग कौन से डिपार्टमेंट से हैं और ये लोग हमसे अंगूठा काहे लगवा रहे हैं? मैडम, दादाजी, ये लोग पहचान पत्र नहीं दे रहे, बल्कि आप लोगन के साथ धोखा कर रहे हैं। ये का कर रही हो बिटिया, का लिखा है? ये कागज में लिखा है कि आप लोगन के 1 एकड़ जमीन मिल रही है, यही खातिर आप ये जंगल छोड़ के जा रहे हैं। हे भगवान, हमरे साथ इतना बड़ा धोखा। हाँ? ए सुनो, कौन अंगूठा नहीं लगाएगा? ये लोग हमको ये जगह से बेदखल करना चाहते हैं। ससुरी, तू ये लोगन के लीडर बन रही है, निकल। तो लास्ट टाइम यह सवाल हमसे एक झिंगुर ने पूछा था, हम भी बहुत सीधे थे, हम उस झंडू को आपन नाम बता दिए, बाद में वो खुद आपन नाम हमेशा के लिए भूल गया, काहे कि हम उसका चैप्टर दी एंड कर दिए। ये बच के जाने ना पाए। शाड़े, चाहे शेर शिकार को दबोचे या शिकार खुद शेर के जबड़े में आए, दोनों में मौत शिकार की ही होत है। Ah!
अकेला आया और हम सबको कुत्ते की तरह धो के चला गया। कौन है वो? क्या हुआ भाई लोग, इतना सन्नाटा का है? ये दुश्मनी की चिंगारी इतनी जल्दी ना ही बुझेगी बाबू। अभी बात का बदला वो लोग हमसे लेंगे। हाँ बाबू, वो बहुत जालिम है। जंगल के कितने ही बेजुबान जानवरों को बेरहमी से मारकर उनकी मौत का इल्जाम हम पर लगाकर हमारे कितने ही आदमियों को जेल भिजवाए इन्होंने। जो कोई भी इनके रास्ते में आता है उसे ये जान से मार डालते हैं। एक बार इन्होंने हमारे घरों पर कब्जा करने के लिए उस पे आग लगाई जिसमें कई मासूम लोग मारे गए। भगवान जाने वो राक्षस लोग अब क्या करेंगे। बारी बारी से सब मौत के घाट उतर जाएंगे, कौनो नहीं बचेगा। मर जाएंगे लेकिन ये जंगल छोड़कर ना ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सब की पूरी जिंदगी यहाँ गुजरी है, ये जंगल छोड़कर हम कभी नहीं जाएंगे। आप लोगों के इतना डरने की कोई जरूरत नहीं। किसी को भी यहाँ से उनकी मर्जी के बिना नहीं निकाला जा सकता। आप सबके साथ हम हैं, यहाँ की सरकार है। हम कल ही डीसी ऑफिस जाके कम्प्लेन करेंगे और ये सब करवाने वालों को सजा दिलवाएंगे। आप लोगों की लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। जुग जुग जियो बेटी, भगवान तुम्हारी हमेशा रक्षा करे। मीरा, तुमने जोश में आके गांव वालों से ई तो कह दिया कि तुम उनके लिए लड़ोगी, लेकिन तुम्हारे लिए कौन लड़ेगा? तुम। अच्छा, का हमरे खातिर तुमने उन लोगों से दुश्मनी ली। थैंक यू सो मच। तीखी छोरी मीठे बोल भी बोलती है, सुन के दर्द ही गायब हो गया। हम तुमका गलत समझे, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, सब लड़कों से अलग। हम अलग हैं या नहीं हैं वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हमसे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता। हम तो कहते हैं कि देश के बच्चे बच्चे को ऐसा ही होना चाहिए, सच्चे देशभक्त की तरह। हाँ वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो, लड़की होकर जंगल में अकेली घूम रही हो। तुम्हारे हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी, तुम भी ना एकदम रानी लक्ष्मी बाई जैसी हो। पर एक बात हमरे पल्ले नहीं पड़ रही है कि जंगल में अकेले का कर रही हो। चलो बता ही देते हैं, हम यहाँ पर भारतीय पक्षियों के बारे में रिसर्च करने आए हैं। लो कर लो बात, का इंसान कम पड़ गए थे जो हमको छोड़कर पशु पक्षियों पर रिसर्च करने निकल पड़ी। अच्छा एक बात पूछे, एक डाउट है जिसे तुम ही क्लियर कर सकती हो। इन पंछियों में मेल कौन है फीमेल कौन है ये कैसे पता चलता है? तुम हमरे साथ चलना, पता चल जाएगा। हम चलें? तुमरे साथ? सच कह रही हो ना? तुमको पता है इस वक्त हम कहाँ हैं? कहाँ? टिप ऑफ द माउंटेन, सी लेवल से 3,000 फीट ऊपर। ये लोग जाना तो गांव में जब जामुन खाना होता था तो जामुन के पेड़ पर चढ़कर तोड़ने में हालत पतली हो जाती थी, यहाँ 3,000 फीट ऊपर चले आए पता ही नहीं चला। मतलब तुम भी यहाँ अकेले ही आए हो? और नहीं तो का, बाबूजी ने वचन दिया था कि मठ में उनका बेटा स्वामी बनेगा, पर उनके बेटे को ये सब मंजूर नहीं था, इसीलिए इस सब से पीछा छुड़ाने के लिए उनका बेटा जंगल में हाथी लेने चला है। वैसे तुम माँ बाप की अकेली हो? एकदम अकेली। सेम स्टोरी, इकलौती हो, बड़े लाड़ प्यार में पली होगी, तो तुम्हारे माँ बाप ने यहाँ जंगल में तुम्हें अकेले कैसे आने दिया? ठीक है, ना ही बताना है तो मत बताओ, ना ही होंगे पर्सनल, तुम्हारी मर्जी। हम अपनी मर्जी से अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं आए हैं, हमका वो लोगों ने ही छोड़ दिया। हमरे माँ बाप साथ नहीं रहते, वो लोगों ने डिवोर्स ले लिया है। कोर्ट ने कहा कि 6 महीने माँ के पास और 6 महीने अपने पापा के पास रहो, पर किसी ने भी हमरे बारे में नहीं सोचा। जब हम पापा के पास गए तो उनके पास हमको देने के लिए पैसे तो थे पर प्यार ना ही था, और जब हम माँ के पास रहने के लिए गए तो उनको भी हमरी कौनों परवाह नहीं थी। हम वहाँ से भी मायूस होकर लौट आए, शायद हमरी किस्मत ही ऐसी है। इसीलिए तंग आकर हमने अपना घर ही छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ रहकर भी अकेला ही महसूस करते। हमके ऐसा लग रहा था कि जिंदगी वीरान हो गई है, इसलिए हम ही जंगल में आ गए। कम से कम ही पंछियों के बीच रहकर हमका सुकून तो मिल रहा है जो कभी नहीं मिला। अभी जंगल ही हमरी दुनिया है, यहाँ के जानवर, यहाँ के सब लोग, बस अब हमरे लिए यही हमरा परिवार है। इन सब को छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। जब भी उदास होते हैं पंछियों को देखने चले जाते हैं,
अकेला महसूस करते हैं तो यहाँ के लोगों से बात कर लेते हैं। ये सब चीजों से हमका बहुत खुशी मिलती है, वरना माँ बाप के रहते हुए भी अनाथ हो गए थे। कहाँ बात है, आज बड़ी जल्दी उठ गए। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना होगा। वो का है? बात यह है कि हम क्या अपन प्रोजेक्ट पूरा करना है और दोपहर होने से पहले पंछियों को देखने जंगल भी जाना है। तुम्हारी वजह से लेट नहीं होना है। प्यार की बात छोड़कर नेचर में उलझाए जा रही है। ये जो हरियाली देख रहे हो ना, ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। फॉरेस्ट माफिया इसके पीछे पड़ गए हैं। वो तो पड़ेंगे ही, जानवर डेंजर जो होते हैं। लेकिन इंसानों की वजह से ना जाने कितने बेकसूर जानवरों की जाने गई है। ये तो हमारी कमला टीचर की तरह हम पे ही हमला करने लगी। अरे ओ जल परी, कहाँ चल पड़ी? चलो ठीक। बॉस, तो बड़ी हैरानी की बात है शेरी बाबू, जो कलिंगा हम लोगन की जान का प्यासा था वो आपकी जान बचा लिया। हमका तो लागत है ही चमत्कार के पीछे जरूर कोनो कारण है, वरना वो हाथी आपकी जान नहीं बचाता। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते कलिंगा, हम कृष्णा आपके दोस्त, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आप हमको कुछ मत करना। कलिंगा, कबीले के लोग तुमको देखते ही डर जाते हैं। वो हमसे कह रहे थे कि कलिंगा के पास मत जाओ, बहुत ही खतरनाक है। लेकिन हमारी जान बचाने वाला खतरनाक कैसे हो सकता है? अरे हम तो बताना ही भूल गए कि हम काहे आए थे। दरअसल बात ये है कि हम ना वो मठ के स्वामी ना ही बनना चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ मठ चलो। चलोगे ना? ठीक है, नाराज काहे हो रहे हो? कलिंगा, तुमने हमारी जान बचाई है, आपको हमारा हृदय से धन्यवाद है। हाथ मिलाओ ना। आराम से, आराम से। हमारे दोस्त हो ना तो हाथ मिलाओ।
अरे डरो मत, आओ हम है ना। अरे तुम चलो तो बोले ना, चुप 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 चुप। हाँ तक अरे डरपोक नहीं, चल। कालिका ये हमारा दोस्त है छोटा टार्जन, देखो। टन सरप्राइज। वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये सरप्राइज काहे खाते? पहले बैठो तो। जंगल है तो क्या हुआ, हम पार्टी नहीं कर सकते का? जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम किसी लड़की को जंगल में डेट पर लाए। का डेट पर? जब हम लोग एक ही जंगल में एक ही घास फूस की झोपड़ी में एक साथ रह रहे हैं तो डेट पर लाने में क्या बुराई है? ये बात है। ए, तुम जैसा सोच रहे हो वैसे हम नहीं है। का कसम खाई हो, जब भी सोचोगी गलत ही सोचोगी। सीधे मुद्दे पे आओ। आए मुद्दे पर आ गए। आंखें बंद करो। हाँ? आपन आंख बंद करो। आज का ये दिन बहुत ही खास है। 22 साल पहले इस धरती पर एक नन्ही परी ने कदम रखा था। अब वो नन्ही परी पहले से बहुत बड़ी हो गई है, खूबसूरत हो गई है। तो परी खातिर हम एक स्पेशल गिफ्ट लाए। हैप्पी बर्थडे मीरा, तुमका जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जंगल में तो केक मिलना नामुमकिन है, इसलिए ई का ही केक समझ। तुमका कैसे पता चला कि आज हमारा बर्थडे है? हमने तो ये बात किसी को नहीं बताई थी। लो कर लो बात, इतने दिन से हम दोनों एक साथ रह रहे हैं तो जान पहचान भी बढ़ गई है। और जब किसी से जान पहचान हो जाए तो उसका बर्थडे का उसकी सारी जन्म कुंडली पता चल जाती है। और वैसे भी ऐसा बर्थडे मनाने का मौका हर किसी को कहाँ मिलता है। क्या हुआ? तुम्हारे बर्थडे पर फ्रेंड्स नहीं है इसीलिए उदास हो का? अब उदास होना छोड़ो और मुस्कुरा दो, एक सरप्राइज है। डरो मत डरो मत, ये है हमरा दोस्त कलिंगा, जानदार शानदार, दुश्मनों का दुश्मन दोस्तों का यार, हमरा दोस्त कलिंगा। कलिंगा ये हमारी जलपरी है, जब भी इसको प्रपोज करने जाते हैं बात गले में अटक जाती है, तू कुछ चमत्कार करना। अरे इसे घबराओ मत, ये हाथी हमारा साथी है, बेस्ट फ्रेंड। ए कलिंगा तनिक बर्थडे गर्ल से हाथ तो मिला। अरे मिला? अरे अच्छा ठीक है, हाथ नहीं मिलाना तो कम से कम नमस्ते तो कर दो। ये हुई ना बात, शाबाश कलिंगा शाबाश। वैसे लड़कियां जब गुस्सा होती हैं तो उनकी नाक तोते की तरह लाल हो जाती है, हमारे दोस्त कहते हैं। सच्ची कह रहे थे ना? हमारी जिंदगी में कभी किसी भी इंसान ने हमको इतनी खुशियां नहीं दी। सच कहे तो हम इस खुशी के लिए तरस रहे थे और आज तुमने हमरी खातिर इतना कुछ किया। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे थैंक्स बोलो। ये पल हम कभी ना ही भूलेंगे। थैंक यू सो मच। ए, एक ही पल में अपना बनाया और थैंक्स कह के दूसरे ही पल में कर दिया ना पड़ा है। हमारे दद्दू कहते थे कि किसी को गाली देने का मन करे तो उसे थैंक्स कह दो। क्या कलिंगा सही कहे कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम कॉलेज में पढ़ती थी तब तुमको किसी ने आई लव यू कहा था का? हाँ बहुत लोगों ने कहा था। कालिंगा पत्ता कट गया यार। लेकिन हमने किसी को नहीं कहा। वहाँ भी ध्वजा लगवा दो। राधे कृष्णा। स्वामी जी क्या हाल है? कृष्णा मठ में कब आ रहे हो? बहुत जल्द, उ भी हाथी के साथ। उ पालतू नहीं एकदम जंगली है, बात समझता है और उठाकर पटकता भी है। हाँ एक और बात, हाथी के साथ साथ हमका एक लड़की भी फ्री मिली है। एक बार तोरी पूजा खत्म हो जाए फिर उसी मंडप में आकर उसे शादी कर लेंगे। अरे क्या कह रहे हो? हर बार बच जाता था, आज तू हमारे हाथ लगा है। पिछले जन्म में सांप और नेमला थे कभी है? जब देखो जंगली सांड की तरह एक दूसरे से लड़ते रहते हो। अब जल्दी बताओ कहाँ खिचड़ी पक रही है।
आपको पता नहीं बाबू, ये आदमी बहुत बड़ा जालसाज है। अगर इसके बारे में कबीले वालों को पता चल गया तो उसका एक एक बाल नोच के खा जाएंगे। दूसरा फ्लैशबैक, ध्यान से देखिए। अरे नहीं नहीं, क्या कर रहे हो, पिया हो का? सर हम जंगल में मंगल बनाने का टंगड़ी नीचे ताऊ का गार्डन है का? अंदर गए तो अंदर कर देंगे। अरे हम जंगल के नहीं, शहर के रहवासी है, शहर के। बस रात के 2 बजे से दोपहर के 1 बजे तक यहाँ पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है। हम तो का जेल में डाले, इससे पहले तुम चले जाओ। शट अप। शट अप किसे का? शट अप किसे का? पता है हम कौन है? हम इस जंगल में पुलिस ऑफिसर बनने आए थे। तुम्हारी कोनो औकात नहीं है, दिन भर वसूली करते हो और रात को अय्याशी। हमसे दूर रहो और ये डंडा खोल जल्दी कर, नहीं तो हम भी जानते हैं कि तू जयसन को कैसे ठीक करते। अगर उन्हें पता चल गया कि तूने छोटा टार्जन को रोका है तो बहुत बुरा होगा। हमें चाहिए आजादी। लो पाव भाजी। खाएंगे, जरूर खाएंगे। आइए हम पाव पाव चलते हैं। भाजी तुम लाओ। ला देंगे। ठीक है सर। है? जीप है, आप चल के क्यों जाएंगे? जीप पे जंगल की सैर। शॉर्टकट दिखाते हैं। स्वामी जी कौन की पतली गली पकड़ लीजिए। पर सर आप जाइए। ओके, ये तो गया काम से। वंदेता हम आ रहे हैं, हमका आशीर्वाद दो। ये तो बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं। भूतकाल में नहीं वर्तमान में जी, और गोल गोल घूमते हुए दुश्मनों का खून पी। ए भाई करके वक्त बर्बाद ना कर। तू आपन मुकद्दर खुद लिख और बंद कर दे सबकी टल्टर। कब तक यहाँ भागेगा, कब तक वहाँ भागेगा? कब खुलेगी तोहरी आँखें, कब सच्चाई के लिए जागेगा? हमें चाहिए आजादी। लाओ भाजी, हमारी लाइनें ओरिजिनल है, इनको बेच तो देख लेना। हम चले, हमें चाहिए आजादी। लाओ भाजी, चले चले हम चले। आजाद तो हुई जाएगा खाई में गिरकर। इन्होंने हमें गलत रास्ते में पटक दिया, तब से हम भटक रहे हैं। ये ससुरा की गलती माफी लायक नहीं है। दुनिया में सब ऐसे ही लड़ने लगे तो एक दिन सब खत्म हो जाएंगे। समझदारी इसी में है कि नफरत भुला के आपन गिले शिकवे दूर करो और गले मिल जाओ। तो आज से लड़ना बंद और प्यार शुरू। प्यार की गाड़ी लंबी चलती है दोस्तों। तो चलते हैं छोटे टार्जन। हमको माफ कर दो। देखो बड़े जंगलों में छोटी गलती हो जाती है। सॉरी, हमने तो का माफ किया। तुमको पुलिस बनना है ना? हमने कईयों को पुलिस वाला बनाकर किस्मत चमका दी। लंगूरों को वर्दी पहनाकर फॉरेस्ट ऑफिसर बना दिया। हमारी बात का यकीन करो, अब हम तुमका भी पुलिस वाला बनाकर यही पोस्टिंग करवाएंगे। अब दिल साफ करो और हमका माफ करो। हम तुमसे वादा करते हैं सबको मिल के लूटेंगे। हम पुलिस वाले बन जाएंगे ना? हाथी? हाँ भैया जी, हम उस ससुरा को टपकाने ही वाले थे, लेकिन अचानक कहीं से जंगली हाथी बीच में आ गए। भैया जी, वो ससुरा कौनो साधारण आदमी नहीं है, उका हाथी के साथ। वो ससुरा को बाद में देख लेंगे, पहले तो वो जो आदिवासी लोग है वो सबको तो पता चल जाए कि रावण से बैर लेने का क्या अंजाम होता है। बचाओ! अरे कलिंगा पागल हुई गवाह है। बचाओ बचाओ, अपने अपनी जान बचाओ। क्या हुआ, क्या बात है? वो कलिंगा पगला गया है, हम लोग उसका रोकने जा रहे हैं। जान बचाओ, जान बचाओ। हो जाओ कालिंगा, बस बस। अरे क्या हुआ?
कालिंगा के पीठ पर चढ़ गया था। कालिंगा को काबू करना कौनो बच्चों का खेल नहीं है, इसने पलक झपकते ही उसको काबू कर लिया। विश्वास गलत नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ। इस सिद्ध पुरुषों के आशीर्वाद से बसी हुई पुण्य भूमि है। सिर्फ युग पुरुष ही जन्म लेकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ के आदिवासियों की सुख शांति कौनों गैर आकर छीने, तो ये भगवान भी बर्दाश्त नहीं करते। शिव शंभू की दया से गज केसरी फिर जन्म लेकर आया है। गज केसरी लौट आया। बाहुबली? ये बाहुबली कौन है? हम सबका रखवाला, हमारे शत्रुओं से इस वन और हमारे राज्य की रक्षा करने वाला चक्रवर्ती योद्धा। बाहुबली के तेजस्वी पराक्रम को देखने के लिए सूर्य प्रतिदिन उसकी प्रतीक्षा करते थे। हर माँ जैसा चाहे ऐसा प्रिय पुत्र, हर राजा जिस पर गर्व करे ऐसा वीर योद्धा। मस्त गज के समान शक्तिशाली बलवान भुजाएं, जेका देख के दुश्मन भयभीत हो जाए। विजय पताका के जैसन लहराते उके लंबे काले केश, आंखों में शत्रुओं को जला देने वाला धधकता आक्रोश, उके सिंह गर्जना से जल थल नभ चारों दिशाएं थरथरा उठती थी। ऐसन था जंगल का महान रखवाला बाहुबली, हमारा रक्षक। कर्नाटक राज्य की प्रतिष्ठा और सुख समृद्धि अन्य राज्यों की आंखों में चुभ रही थी। ऐसा समय में ई राज्य की सुख समृद्धि को पैरों तले रौंदने के लिए जिस शैतान ने पहला कदम उठाया, वो था दंती दुर्ग का सम्राट राजा जयसूर्य। विक्रमपुरी के युद्ध में उसके पिता मारे गए थे। उनकी मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए राजा जयसूर्य ने कर्नाटक की सीमा पर अपने हजारों सैनिकों के साथ पड़ाव डाल दिया। करुणाडु, यहाँ से प्रारंभ होता है महाराज। जय भांजी, वहां से करुणाडु शुरू नहीं, उका नाश होत है। काहे कि हम यहाँ से सेना के साथ आक्रमण करते हुए वहां कूच करेंगे। वो साम्राज्य आपके अधीन हो जाए, यही कामना है। परंतु सारे ग्रह उचित स्थान पर नहीं है, आपकी कुंडली यही दर्शाती है।
कुछ दिनों में आने वाला सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत कष्टदायक है महाराज। आप इस सूर्य ग्रहण के टलने तक कोई भी ऐसा निर्णय ना लें जो आपके लिए कष्टदायक हो। गुरुदेव, हमका ये कदापि स्वीकार नहीं। संपूर्ण भारतवर्ष की खातिर उगता हुआ सूर्य है हम, और इस सूर्य को का ग्रहण लग सकते हैं? यह संभव है। हमारे पिता के प्रतिशोध की ज्वाला में करुणाणु जलकर खाक हो जाएगा, और एक कष्टदायक समय तो उनका है गुरुदेव। ग्रह उच्च स्थान पर नहीं, उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पिताश्री की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक हम उनकी हत्या का प्रतिशोध नहीं ले लेते। युद्ध तो होकर रहेगा। पराक्रमी शूरवीर योद्धा हमने आज तक नहीं देखा। ये सच्चा जाबाज है। हजारों हाथियों के झुंड में आगे चलने वाले बाहुबली के शौर्य को जब कोई देखता है तो उसका मन रोमांचित हो उठता है। बंधु, बाहुबली के जैसे मित्र का मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है। बाहुबली की तरह तुम कभी पराक्रमी और वीर होना चाहिए। ये असंभव है मंत्री जी। बाहुबली जैसा वीर कौन और पैदा हो, यह असंभव है। पराक्रम का दूसरा रूप। प्रणाम बाहुबली। प्रणाम बाहुबली। प्रणाम, कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। आपके हाथियों के झुंड और आपके बाहुबल की वजह से हमारे राज्य में सुख और शांति है। सब हमारे महादेव की कृपा है। आप इतनी दूर हमसे यहाँ मिलने आए हैं, बताइए क्या बात है? महाराज जी ने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। अवश्य। दंती दुर्ग के महाराजा सूर्य तेज बहादुर ने विक्रमपुरी के राजा विक्रम परिहार को एक पत्र भेजा। पत्र में ये लिखा गया था, विक्रमपुरी के प्रजाजनों, हमारे सैनिकों के चरणों की धूल मत बनो, हमारी शरण में आकर हार स्वीकार कर लो। हर राज्य के राजा को हारने के पश्चात शरण में ही आना पड़ता है, इसलिए विक्रमपुरी से प्रतिवर्ष 300 गज, 1000 घोड़े, हीरे जवाहरात और सोने के आभूषण देकर तुम्हें हमारी शरण में रहना होगा। यदि हमारा ये आदेश आपको स्वीकार नहीं है तो विक्रमपुरी वालों को हमारी तलवारों का सामना करना होगा, और युद्ध में हारने पर आप लोगों को जीवन भर हमारा दास बनकर रहना होगा। महाराजा जयसूर्य। ये राज्य शांति का प्रतीक है, फिर से रक्त देखने की कामना नहीं है महाराज। युद्ध ना हो ऐसा प्रयास कीजिए, अन्यथा हमें बलिदान देना होगा। सत्य वचन महाराज, महामंत्री जी की बातों में सत्यता है। उके भेजे हुए संदेश पत्र में हमारे राज्य और उकी सुरक्षा से अधिक उके पिता की मृत्यु के प्रतिशोध की भावना अधिक है। उके ई दुस्साहस को साधारण रूप में नहीं लेना चाहिए, ई उचित नहीं होगा महाराज। जो आज्ञा गुरुदेव। महाराज, अपने शत्रुओं के सामने हम ऐसे द्वंद्व युद्ध के योद्धा उतारेंगे जो पलक झपकते उन्हें धूल चटा देंगे। अवश्य महाराज। यदि हमारे वीर योद्धा अखाड़े में उतरे तो हमारी विजय निश्चित है, ये सत्य आप भी जानते हैं महाराज। द्वंद्व युद्ध बाहुबली से होगा। महाराज, हम क्षमा चाहते हैं, बाहुबली के पराक्रम का हमको भी ज्ञान है, परंतु द्वंद्व युद्ध में जीतने के लिए शक्ति ही नहीं युक्ति भी चाहिए। हाथियों को वश में करने वाला बाहुबली इस द्वंद्व युद्ध का शूरवीर योद्धा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि विजय हमारी होगी। प्राणों की रक्षा चाहते हैं महाराज, परंतु द्वंद्व युद्ध में यदि पराजित हुए तो हमको शरणागत होना पड़ेगा। मंत्री जी, हमारे लोग शरणागत होते हैं तो प्रेम और मित्रता के आगे, दिखावे या दया के आगे नहीं। महाराज, वीर वही होता है जो मातृभूमि के खातिर अपन शीश तक कटा दे। जो मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता वो कायर होता है। हम युद्ध करेंगे। अति उत्तम बाहुबली, हमें तुम पर गर्व है। हम जितने शांति प्रिय हैं उतने ही शूरवीर भी हैं। द्वंद्व युद्ध की खातिर हम तैयार हैं। तत्काल घोषणा की जाए।
कायर नहीं जो धमकी के आगे घुटने टेक दें। ये करुनाडु है, यहाँ शेर रहते हैं, गीदड़ नहीं। तुम का, तुम्हारे पिता का, तुम्हारे दादा का, तुम्हारी पीढ़ियां तक हमसे टक्कर लेने आ जाएं, तब भी करुनाडु की धरती से मुट्ठी भर मिट्टी तक नहीं ले जा सकता। सर पर पगड़ी और आभूषण पहनकर तुम राजा तो बन सकते हो, पर बिना वीरता और साहस के युद्ध नहीं जीत सकते। दो दिन का समय दे रहे हैं, हमारी सीमा से बाहर चले जाओ, चले जाओ। हर हर महादेव। शाबाश बाहुबली, शाबाश। तुम जैसे वीर योद्धा को जो भी देखेगा वो रोमांचित हुए बिना ना ही रह सकता। हमारे राज्य में बाहुबली जैसा योद्धा ना आज तक हुआ है और ना ही भविष्य में कभी जन्म लेगा। तुम जैसे वीर का हमारे राज्य में होना बहुत बड़ा सौभाग्य है महाराज। अति उत्तम महाराज, बाहुबली के सेनापति बनते ही ये राज्य की सैन्य शक्ति दुगनी हो जाएगी। बाहुबली, ये पद स्वीकार कर लो। गुरुदेव, हम ये युद्ध लड़े अपने राज्य के लिए। महाराज को हम पर जो विश्वास है यह बहुत है। हमका राजमहल में कोनो पदवी या स्थान नहीं चाहिए। हम तो वन की संतान हैं, हम वहीं रहना चाहते हैं। आप लोगों का विश्वास पाकर हम हृदय से आभार मानते हैं। भरी सभा में उलोगन ने हमारा अपमान किया, सबके सामने हमें नीचा दिखाया, उन्होंने छल किया। उन लोगों ने हमसे कहा था कि वो युद्ध नहीं करेंगे, द्वंद्व युद्ध करेंगे। हम भी उनकी बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठे महाराज। कहां हम सोचे थे कि आप करुणाडु के राजा बनेंगे, उसने तो हमारे ही सपनों पर पानी फेर दिया। बस कीजिए, अब वार्तालाप के लिए समय नहीं है। छल का बदला छल से लिया जाएगा, अब केवल युद्ध होगा। नहीं महाराज। भारतवर्ष में हमारी सैन्य शक्ति से बलशाली और कोई नहीं है, विजय संभव नहीं है। हमारा राज्य चारों दिशाओं से सुरक्षित है। दक्षिण में कावेरी नदी बह रही है,
नदी पार करने से पहले हमारी सेना आप पर आक्रमण कर देगी। पश्चिम में ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं इसे अभेद्य बनाती है। उनका लांग कर आना सरल नहीं है। पूर्व में जो युद्ध भूमि है उस पर विजय पाना असंभव है। हमारे सैनिकों का ब्रह्मास्त्र है ई गज समूह। यही है हमारे राज्य की चौकोण सुरक्षा। हमारे पास सहस्त्र हाथियों वाला एक विशाल सेना समूह है। हमें आभास है कि आपकी सेना हमारी सेना से अधिक बलशाली है, परंतु ई घड़ी में आपके सामने एक ही व्यवधान है, ई गज समूह। देवपाल, हमें इस सबसे कौनो भय नहीं। हमें किसी भी सूरत में बाहुबली चाहिए। वो क्षमा योग्य नहीं है। हम दंड देंगे उसे। हमारे राज्य में प्रवेश करने का जो एकमात्र शेष मार्ग है वो है प्रातः काल का सूर्य ग्रहण। यदि आदिवासी छुप कर रहे तो उन्हें मारना असंभव है। आपके सैनिकों को रणभूमि में युद्ध करने के अलावा जंगल में युद्ध करना नहीं आता, वो इससे वंचित है। कल सूर्य ग्रहण आरंभ होते ही सारे आदिवासी उनके वन देवता की पूजा के लिए और उन्हें मनाने के लिए वन के मध्य में एकत्रित होंगे। प्रतिदिन 50 से 60 सैनिक सीमा की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, परंतु कल पूजा है, मात्र 5 सैनिक ही समूह की सुरक्षा करेंगे। अच्छा विचार है, हम वन में घुसकर उन सैनिकों को जान से मार देंगे। उन कबीले वालों को समाप्त कर दिया तो गज समूह खुद ही समाप्त हो जाएगा। आपको कल वन में प्रवेश करते समय एक और दुविधा होगी। कल सीमा की सुरक्षा करने वाले 5 जनों का मुखिया बनकर स्वयं बाहुबली आएगा। एकमात्र बाहुबली एक सैन्य टुकड़ी के समान है। कल का उगने वाला सूरज ओके मौत का सवेरा लाएगा। आप केवल देखते रहिए देवपाल जी, हम उनका छोड़ेंगे नहीं। हमारी सबसे बलशाली सेना टुकड़ी कल युद्ध के लिए यहां से कूच करेगी और उस टुकड़ी के सेनापति स्वयं हम होंगे। वन सैनिकों का वध करते करते वो करुणाडु की विशाल सेनाओं पर बिजली बनकर टूट पड़ेंगे हमारे सैनिक। बाहुबली की मृत्यु के पश्चात उनके शव पर थूकेंगे हम, और जब पिताजी सब स्वर्ग से देखेंगे तब बहुत ही हर्षित होंगे। हमारे प्रतिशोध की ज्वाला से बाहुबली भस्मीभूत होगा। बंधु, और तुम तनिक सी ऊंच नीच हो जाती तो मेरे प्राण प्रिय मित्र के प्राण चले जाते, बात का है? ये देखिए, हम आपके लिए कुछ लाए हैं, सिंघनी का दूध। सिंघनी का दूध? हाँ हाँ। तो का कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, हमका कुछ नहीं हुआ। हम तो ऐसे ही बोल दिए थे और तुम ले आए। वो सब छोड़िए, आप ग्रहण कीजिए। कहते हैं बहुत स्वादिष्ट होता है। अद्भुत। हम हैं बाहुबली, हम ही हैं। आज संध्याकालीन सूर्य अस्त होने के पश्चात ई राज्य का महाराजा हम कहलाएंगे। बाहुबली, करुणाडु का शूरवीर जाबाज, तुम्हारी ये देशभक्ति आज तुम्हारे साथ ही यही इसी धरती में दफन हो जाएगी। हमका दफन करने के बाद भी तू करुणाडु का बाल भी बाका नहीं कर सकता, ये तुम्हारे वश में नहीं है। ए बाहुबली,
हमारे पिता सूर्य तेज बहादुर रणभूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन हम बुद्धि से लड़ने वालों में से हैं। मित्र के हाथों से जो दूध गटक लिए वो दूध नहीं था, वो काले नाग का विष था। तुम्हारा मरना निश्चित है। हम मरना नहीं चाहते थे। तुमको जागीर नहीं चाहिए, पदवी नहीं चाहिए, हमका चाहिए, हमका चाहिए। सुना तुमने, हमका चाहिए, हमका चाहिए। हे बाहुबली, वो जो काले नाग का विष है ना, वो कुछ ही देर में तुम्हारे सीने में उतर कर तुम्हारा अंत कर देगा, और तुम्हारे अंत के साथ होगा इस राज्य का विनाश। दिया बुझने से पहले बहुत जोर से फड़फड़ाता है तेज बहादुर। अरे अच्छा हुआ कि हमरे मरने से पहले तोरी मौत तो का सीधे हमरे पास खींच लाई। आज तो का यमराज भी हमसे नहीं बचा सकता। इससे पहले कि नाग का विष हमरे हृदय तक पहुंचे और हमारा जीवन समाप्त करे, एक करुणाणु की सौगंध लेकर कहते हैं, तुम सबके शीश धड़ से अलग कर देंगे। विश्वासघात करने वाले इस राज्य में कौन तो जैसा विश्वसनीय कैसे हो सकता है? किसी एक के विश्वासघात करने से सारा राज्य विश्वासघाती नहीं हो जाता? उस राज्य में भी कई रणबांकुरे अपना शीश बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। आज तू ही अपनी आंखों के सामने देखेगा। आज यहाँ जो कुछ भी होगा वो कर्नाडु का इतिहास बनेगा। मृत्यु की गोद में बैठकर भी तू विजय प्राप्ति की कामना कर रहा है। तुमने वीरता को शत्रु जब नतमस्तक हो तो समझ लो कि अब युद्ध में जीत निश्चित है। आजा, भेज अपनी कायर सेना को। आक्रमण, हमला। सिपाही हैं तुम्हारे जैसे कायर नहीं। अपनी मातृभूमि से गद्दारी करने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। परंतु तुझ जैसे पापी का गंदा रक्त इस मिट्टी पर नहीं गिरना चाहिए। पी
पूरा घोपने वाले नामर्द हो तुम सब। देश के लिए अपन बलिदान देने का गर्व तुम क्या समझो? शाबाश बाहुबली, शाबाश। तुमरे कंठ से जो ये विष नीचे उतर रहा है और ये तलवार, ये दोनों ही हमारी विजय का कारण बनेंगे। एक शेर के मर जाने से पूरा जंगल वीरान नहीं हो जाता तेज बहादुर। जब तक ये मातृभूमि रहेगी, इस मिट्टी का हर एक वीर गज केसरी बनकर तुम जैसे शिकारों का शिकार करता रहेगा। हमरे हृदय की गति रुकने से पहले हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इवन ये करुणाडो ये सब हमरे पैरों तले रहेंगे। पर कभी अन्याय के खिलाफ
अपना शीश मत झुकाना। मेरे प्यारे देशवासियों, मृत्यु के भय से लड़ना मत छोड़ो। मरने के बाद फिर से तुम्हारा जन्म होगा। मां का दिया हुआ अनमोल जीवन मां को ही समर्पित कर देंगे। अपने प्राणों की आहुति देने वाले गज समूह के नायक बाहुबली को महाराज ने गज केसरी की उपाधि दी। उनकी वीरता, उनका पराक्रम, उनका साहस सदा सदा के लिए लोगों के हृदय में रहे, इसलिए उन्होंने अपने राज्य को गज केसरी नाम से पुकार कर उस नाम को अमर कर दिया। राजा के अनुग्रह और दया से सुखी जीवन व्यतीत करने वाले हमारे नायक धीरे धीरे दुर्बल होते चले गए। हम सब महान गज केसरी वंश के हैं। हमारे पूर्वज ये बात गर्व से कहते थे। किसी जमाने में पूरे राज्य की रक्षा करता था हमारा ये वंश, लेकिन आज हम ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि अपनी भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अब तुम्हारे यहाँ आने से हम सबका साहस लौट आया है। अब कोनो भी दुष्ट शक्ति हमारे कबीले का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। एक बार फिर से हम सीना ठोक कर कह सकते हैं कि हम गज केसरी वंश के हैं। अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारा गज केसरी आ गया है, हमारा रखवाला आ गया है। हम सब की शक्ति हो तुम, हमारी शक्ति हो तुम। बेटा बाहुबली, हमारी रक्षा करो। बाहुबली, हमारी रक्षा करो। बाहुबली, हमारी रक्षा करो। मठ के लोग हमको स्वामी बनाना चाहते हैं और जंगल के लोग हमको गज केसरी समझते हैं। तो कालिंगा, तुम ही बताओ हम कौन है। वो झोपड़ी वाले बाबा जानते हो क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम पिछले जन्म में कौनो गज केसरी थे, हाथियों के झुंड के सेनापति थे। अब है नहीं मजाक की बात, अब उनको कौन समझाए कालिंगा कि ये सब बकवास है। भला ऐसा होता है का कि किसी का दोबारा जन्म हो? ही तो सिर्फ किस्सों कहानियों में होता है। मजाक 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 है ना, सिर्फ ही मजाक, बताइए। और नहीं तो का, ये मजाक ही तो है। तुम्हारा ये तरह से जंगल में आना और यहाँ रहना मजाक ही तो है। जंगल वासियों को ये कलिंगा ने कभी नहीं बख्शा और तुम्हें आराम से छोड़ दिया। इस सबसे भी ज्यादा मजाक वाली बात जानते हो, जो कलिंगा तुमको जानता नहीं उसने गुंडों से तुम्हारी जान बचाई। बाप रे बाप, अब भला इससे बड़ा मजाक का होगा। जंगल वासी कभी झूठ नहीं बोलते, वो मासूम है, भोले है। वो लोग तुमको बाहुबली मानते हैं। अच्छा, तुमको एक बात याद है? उस दिन जब वो अंगूठा लगा रहे थे तब हम उसके खिलाफ आवाज उठाए थे। वो दिन उन लोगों की बहुत खुशी मिली थी। वो दिन तो तुम उन लोगों को बचा लिए थे, लेकिन आज वो बेचारों को जंगल से निकालने के लिए वो गुंडन ने पूरी तैयारी कर ली है। और सुना है वो लोग यहाँ पर रिजॉर्ट बनाने वाले हैं। इन बेचारों का ये जंगल के अलावा कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए हम बात करने के लिए डीसी ऑफिस जा रहे हैं। उन लोगों के तुम पर बहुत विश्वास है कृष्णा।
हटो हटो, रास्ता दो, साहब आ रहे हैं, रास्ता दो। सुनो देवराज, इन लोगों से कह दो कि कल आए। हम सवेरे से वेट कर रहे हैं सर, हमको आपसे जरूरी बात करनी है। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हम खाली बैठे हैं, हमारे पास इसके अलावा और भी बहुत काम है। पब्लिक सर्वेंट होकर आप ऐसी बातें नहीं कर सकते सर। ठीक है, बताइए क्या प्रॉब्लम है। एक छोटी सी बात खातिर आप जिला अधिकारी के सामने इतना हंगामा कर रही हैं? आप हमारा वक्त बर्बाद मत करिए, आप जा सकती हैं। डीसी ऑफिस हो या फिर विधानसभा, जब गलत है तो जनता सवाल करेगी सर। अगर कोई पूछता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि जनता को ही लूटते रहो। ये सब तो तुम हमका ऐसे कह रहे हो जैसे कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं। एक बेटे को सुधारने के लिए उसके माँ बाप होते हैं सर। अगर एक गुरु चाहे तो एक साथ 50 विद्यार्थियों को सुधार सकता है, उसी तरह एक डीसी चाहे तो पूरे जिले को सुधार सकता है सर। पावर आपको कानून ने दिया है। बाहर खड़े रहकर भाषण देना बहुत आसान है, अमल करना मुश्किल है। जिला अधिकारी अफसर से पहले हम एक परिवार वाले हैं और हम अपने परिवार को दांव पर नहीं लगा सकते। जब एक अधिकारी खुद अपन फैमिली को नहीं बचा सकता तो वो इस देश की जनता की फैमिली को कहां से बचाएगा। आपके खातिर छोटी सी बात होगी पर आदिवासियों के खातिर ये जंगल ही जीवन है। अगर धरती पर जंगल ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ जाएंगे? वो जंगल की संतान है सर, एक रिसोर्ट के लिए उनको फेंका जा रहा है। अगर जंगल नहीं रहा तो वो लोग भी नहीं रहेंगे, सब मारे जाएंगे सर। देखिए, हम आपकी बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं लेकिन दूसरे अधिकारी इस बात को मानेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। सिस्टम इतना सड़ चुका है कि इसका साफ करना नामुमकिन है। बदलना पड़ेगा सर, हम सिस्टम को ना ही बदल सकते, सिस्टम बदलने के लिए खुद बदलना पड़ता है और ये बदलाव की शुरुआत होगी आपसे। आज जैसे आप मना कर दिया, अगर वैसे दूसरे अधिकारी भी मना कर दें या ये देश की सरकार भी मना कर दे तो भी हम संघर्ष करते रहेंगे सर। भले ही हम मर क्यों ना जाएं लेकिन हम अपनों के न्याय के लिए पीछे नहीं हटेंगे। जंगल के इलाके में रिजॉर्ट बनाने की परमिशन नहीं है, फिर भी हमने तुमको परमिशन दिलाई थी। अब सुनी, रिजॉर्ट का मैटर अब डीसी तक पहुंच गया है। अगर मामला जल्दी सेटल नहीं किया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। उकरे बाद हम जो जंगलों में करते आ रहे हैं वो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, सब खत्म। देख, हम तो एमएलए का पावर इस्तेमाल करके इस लफड़े से निकल जाएंगे, तो अपन देख ले क्या होगा। कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जीने वाले गीदड़ों में अचानक इतनी हिम्मत आ गई, डीसी तक पहुंच गए। चुपचाप पेपर्स पे साइन कर दो, नहीं तो तुम सबको इसी जमीन में गाड़ देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझ गए। ये जंगल, ये मां रहने वाले सारे जानवर, सब पे भैया जी की हुकूमत है। जो भैया जी के खिलाफ जाएगा उसका काट के रख देंगे, लाशें बिछा देंगे। लाशें तो तुम लोगों की बिछा देगा, वो आके तुम सबको एक एक करके मौत के घाट उतार देगा। आज तक हम घुट घुट के जिए, तुम्हारा जुल्म सहते रहे, तुम्हारे जुल्म को मिटाने वाला आ चुका है। वो तीन दुखियों का रखवाला है, वो है बाहुबली गज केसरी। गजराज जैसा बलशाली, दहाड़े जैसे केसरी। हम सबका रखवाला गज केसरी आ चुका है, तीन दुखियों का रक्षक, दुश्मनों का काल। उके मौत के पंजे से तुमको यमराज भी नहीं बचा सकता, तुम्हारा कलेजा निकाल देगा। बहुत फड़फड़ा रहे हो, तुम सबके पर काट नहीं होंगे। मार डालो सबको, तुम्हारे पास हथियार है और हमारे पास। Oh.
गुरुदेव। गुरुजी, शहरी बाबू ने उन सबको भगा दिया। जंगल वाले बहुत खुश हैं, वो त्योहार मना रहे हैं। इतनी बड़ी खुशी की बात सुनकर भी आप शांत हैं? हाँ। आपको खुशी नहीं हुई का? गज केसरी वंश में जन्म लेने वाले सभी ऐसे ही हैं, अपनों का हाथ नहीं छोड़ते। बाहुबली से ही हमारा उद्धार होगा। आने वाली परिस्थिति भयानक होगी। हाँ? अगर हम नहीं संभले तो आपसी कला में मारे जाएंगे। कृष्णा, ओ कालिका, कालिका! कालिंगा, 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 उठ जा कालिंगा, कालिंगा, ए कालिंगा, 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 ए उठना। ई है गज केसरी। अरे हम तो सैकड़ों शेर और हाथी को मार चुके हैं, ये तो चूहा है रे। हाथी और शेर का अलग अलग शिकार करना बहुत ही आसान काम है, लेकिन जब दोनों एक साथ हो तो नामुमकिन। हम रावण है रावण, हाथी और शेर को मारे वाला राक्षस है हम। आज तो का मारे के बाद वो कालिंगा को भी खत्म कर देंगे। कालिंगा को अगर कुछ हुआ तो तुम्हारे कलेजे की धड़कन रोक देंगे। उस दिन तुमको हाथी बचा लिया था, लेकिन आज कौन बचाएगा? ए बलुआ, ये तो बच्चा है रे। का रे, तू हीरो है का? दो मिनट पहले हमको इस बात का कोई एहसास नहीं था, मगर इतने सारे भंडरों के साथ तो हमको ढूंढते हुए यहाँ तक आया। इसका मतलब है कि कंफर्म हम हीरो हैं। जौन आदिवासी लोग के लिए तुम हमसे दुश्मनी ले रहे हो, हम उस सबको जिंदा जला देंगे। अरे तुम जैसे गली के गुंडों से निपटना हमें अच्छी तरह आता है। लागत है कि तुम लोगों का पाला पूरी जिंदगी में सिर्फ कायरों से पड़ा है, और आज हमरे साथ पाला पड़ा है तो हम तुमको बता देंगे कि डर 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 का होता है, और आज इस जंगल में हम साबित कर देंगे। अगर तुम लोगों ने माँ का दूध पिया है तो हमको पार करके दिखाओ। Got it!
मृत्युंजय जाप की व्यवस्था करो। यह गज केसरी गज केसरी। अरे जब चूहा खुद को नहीं बचा पाया तो तुम सबको बचाएगा। अरे मर गया गज केसरी, उठा के फेंक दो पहाड़ी के नीचे। जिससे तुम मरा हुआ समझ रहे हो तुम सबकी मौत है। गज केसरी बिना तुम सबको मारे नहीं मर सकता। अच्छा ये बात है, तुमको ही पर इतना भरोसा है। काट डालो रे।
कृष्णा, तुम्हें मठाधीश बनने की आवश्यकता नहीं है और ना ही गज देने की। तुम इन लोगों के बीच रहकर इन सब की सेवा करो, यही विधि का विधान है। एक गज की आवश्यकता ने तुम्हें यहां आने पर विवश किया, भले ही उसका निमित्त मैं हूं, ये विधि का विधान ही तो है। गेरवे वस्त्र वाले, सिद्ध पीठ वाले और प्रवचन करने वाले ही गुरु नहीं होते। दीन दुखियों को सन्मार्ग दिखाकर उनकी रक्षा करने वाला भी गुरु होता है। अत्यंत तेजोमय सूर्य हो अथवा एक छोटा सा दीपक हो, सबका अपना अपना स्थान है। ठीक उसी प्रकार तुम भी हो, यहाँ दीपक बनकर अंधकार में जीने वाले इन लोगों के जीवन में उजाला बिखेरो। हमारे प्रभु का यही आदेश है। बस कृष्णा, अब समाधान हुई गवा। मठाधीश बनने की आवश्यकता नहीं, गुरुजी ने कह दिया और तुमका मन चाहा जीवन साथी भी मिल गया। अब हमारे मठ में विवाह करने तो आओगे ना? शुभमस्तु स्वामी जी, कल्याणमस्तु। शहरी बाबू, शहर का टिकट मिल गया, चलो निकलते हैं। तनिक रुको, प्लान चेंज हो गया। कब कैसे? हमने और मीरा ने यही रहने का फैसला किया। यानी कि हम यहीं पर सड़ गए? भूल गए, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में जंगल रहता है। चंदू, 50 की टोपी, चोरी का बैग और ये जैकेट सब ले लो, अब से हम यहीं रहेंगे।